जी मरियम साहब, ये बताइए कि इस वक्त बुशरा बीबी कहाँ पे हैं? कल रात से जो है बुशरा बीबी से हमारी बात नहीं कराई जा रही थी, और दो के हमें ये बताया जा रहा था कि जी वो केपीके में है। शाम तक वेट किया, मेरी किसी ने बात नहीं कराई उनसे। मैं बार बार जो है सबको रिक्वेस्ट करती रही, फिर मेरा ब्रीफली उनसे कनेक्ट हुआ, नॉट थ्रू द पार्टी बट ब्रीफली, और मैंने उनका वेलकम दरियाफ्त किया। उस वक्त वो मानसहरा में थी, उनको नहीं पता था कि वो किधर है। उसके बाद उनको कहीं और मुंतकिल कर दिया गया, जो कि उनके पास फोन नहीं है। कि जब वो डी चौक पहुंची तो क्योंकि पीछे काफी रह गया था, तो उस वक्त उन्होंने मुझे बताया कि उनके साथ कोई और गाड़ी नहीं, उन्होंने पीछे देखा तो सब लीडर्स पीछे रह गए थे, उनके साथ कोई नहीं था। और जब वो पहुंची तो अली अमीन साहब एक साइड पे थे और वर्कर्स उनको इंसिस्ट कर रहे थे कि उनको कहीं नहीं जाने देंगे। और बुशरा बीबी वहां डी चौक पे पहुंच के जैसे उन्होंने गाड़ी से निकलने की कोशिश की तो उनके ऊपर फायरिंग शुरू हो गई। कि अली अमीन साहब जो है उनको हमने कहा कि क्योंकि आप अकेले रह गए थे, आप हमारी गाड़ी में आ जाएं। वो आके गाड़ी में जब बैठे, उन्होंने ड्राइवर को साइड पर फेर दिया और उन्होंने खुद गाड़ी चलाई। तो बीबी कहती है मैंने उनको कहा जहां हमारे ज्यादा वर्कर्स हैं आप मुझे वहां ले जाएं, क्योंकि मैं यहां से कहीं नहीं जाऊं। तो उस पे अली अमीन साहब ने बहुत वो तेज गाड़ी चला के तो जहां पर अगली जो उनको जगह नजर आई, और बीबी ने कहा कि अगर आप मुझे यहां से कहीं और ले जाने की कोशिश करेंगे तो मैं दरवाजा खोल के यहां से छलांग लगा दूंगी।